हाय गाइज, कैसे हो? तो आज हम बनाएंगे पोहा। अगर मेरा पोहा की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो अब बनाते हैं पोहा। उसके लिए लिया है मैंने शिमला मिर्च, लिए मैंने एक गाजर, आलू और प्याज, और ये लिए थोड़े से पीनट, और ये लिए पोहा। पोहा को हम थोड़ा सा पानी से निकाल लेंगे, जैसे धोएंगे नहीं, हल्के से पानी में। और फिर लेते हैं हम एक कढ़ाई, कढ़ाई हमने ले ली है। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच ऑयल। देखना मैंने हल्के से गीले किए हैं पोहा। तो अब लगाते हैं हम इसके तड़का। देखना तेल गरम हो चुका, अब डालेंगे इसमें ये पीनट। थोड़े से हम इनको रोस्ट कर लेंगे। देखना ये तो रोस्ट हो चुके, अब निकाल लेते हैं इनको एक कटोरी में। तो अब डालेंगे हम इसके अंदर सरसों, और देखना हमारी सरसों अच्छे से चटक चुकी। अब डालेंगे इसके अंदर हम प्याज, और प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे हम, हल्का सा पिंक होने देंगे। और हल्का सा पिंक हो चुका, अब डालेंगे इसके अंदर हम शिमला मिर्च, जो हमने सब्जियां ली थी वो सारी हम डाल देंगे। अब इतना हमने सब्जियां डाल दी, इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे हम सिम पे, और उसके बाद डालेंगे इसमें मसाले, फिर डालेंगे इसमें पोहा। तो इसको हम ढक देते हैं। चेक करते हैं हमारी सब्जियां हमारी पक चुकी हल्की से। अब डालेंगे इसके अंदर मसाले, थोड़ा डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा डालेंगे काली मिर्च पाउडर हम। अब डाल देते हैं हमारे पोहा। और 1 मिनट के लिए इसको ढक के हम पका देंगे। और चेक करते हैं हमारे पोहा, पोहा हमारे बन गए। जो पीने फ्राई किए थे वो हम डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़ा हम डालेंगे नींबू, थोड़ा डाल देते हैं नींबू, सारे हम मिक्स कर दें। अब निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। और हमारे पोहे बन के होगी रेडी। और प्लीज अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।